वेलकम टू दी धरती वो माला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम लेट बाय 1 मिनट ओनली। चल हेडफोन तार दे तू। भाई साइड होइए भाई। चल बस मार कर आ जा। सर दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, स्मारक के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला, मुख्यमंत्री साथ रहेंगे? हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में कुछ नए स्मारक बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की देखरेख में बन रहे हैं और देश की उच्च कंपनियां उनको बना रहे हैं। हम इसलिए देखने जा रहे हैं कि हमें उनसे विचार मिले और उन विचारों को लाकर जो अंबाला में 1857 की क्रांति का स्मारक हम बना रहे हैं इतना बड़ा, हम उन विचारों को उसमें परिवर्तित कर सके और अंबाला छावनी का स्मारक विश्व का सबसे बेहतरीन स्मारक बन सके। ये सब का जो हमारा शहीद स्मारक 1857 क्रांति जो बना रहे हैं उसी थीम पर यहाँ भी लाल किला में म्यूजियम बना, 1857 का भी बना हुआ है और अन्य लाल किला के ऊपर उसकी जो प्रातन काल की जो सारी कलाकृतियां हैं मुगलों ने उसको बनाया है, लेकिन उस सारे में जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल प्लान, हम उसको देखने के लिए गए थे कि ऑडियो वीडियो और लाइट एंड साउंड और अन्य प्रकार के जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने उसको एक लोगों के देखने के नाते से बहुत रुचिकर उसका खाना बनाया है। हमारी प्लान सारी बन चुकी है, फिर भी कुछ नई चीजें जो हमें जानकारी मिली थी कि वहां देखने के बाद पता लगेंगी, तो आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर अनिल विज, मैं, हम दोनों वहां गए थे और जो टेक्निकल काम हमारे उस 1857 क्रांति के स्मारक का म्यूजियम का जो कर रहे हैं वही लोग यहाँ भी कर रहे हैं, तो उनको उनसे कुछ हमने फिल्म देखी थी, उनको कुछ जो बातें हमारे विचार में थी वो भी हमने उनको बताई हैं उसको इंकॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि 1857 की क्रांति का जो सही पिक्चर है वो लोगों के सामने आ सके, क्योंकि उस समय अंग्रेज इस देश पर राज कर रहा था। 1857 की पहली एक स्वतंत्रता की लड़ाई, एक स्वतंत्रता का संग्राम ये शुरू हुआ और वास्तव में अंबाला से शुरू हुआ, उसके पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं कि अंबाला से शुरू हुआ, वरना इससे पहले लोग बताते हैं, कोई मेरठ बताता है, कोई कहीं बताता, लेकिन अब पुख्ता प्रमाण ये है कि अंबाला से ही एक दिन पहले 9 मई को वहां शुरू हुआ और 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हुई। तो इस प्रकार का एक सारा कार्यक्रम था, अच्छा उसका प्रदर्शन था, देखने को मिला। कब तक बन जाएगा, इसमें क्या तैयारियां हैं, जो ऐसा उसका जो भवन निर्माण का काम हो तो तकरीबन काफी 80% हो गया है, लेकिन उसका जो सॉफ्ट आर्ट जो है जिसमें डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन, उसका भी टेंडर होना है, उसी को फाइनल करने के लिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है
उसकी कुछ एस्टिमेट्स बनाएंगे, फिर उसका टेंडर होगा और मुझे लगता है कि 3-4 महीने का प्रोसेस। मैं गार्ड को बुलाता हूँ या सीएमओ को जा रहा हूँ, गार्ड हम आगे का टाइम डिटेल नहीं करना चाहता है। Thank you.